गाड़ी अगर आप चलाते ही हो तो आपको पता ही होगा कि इस चीज को क्या कहते हैं। इस चीज को कहते हैं ORVM, और ये जो है गाड़ी के बाहर लगा होता है जिससे आप रियर से आने वाले ट्रैफिक को देख सकते हो। तो आपने देखा होगा कि कई लोग जो है इस ORVM को इस तरीके से बंद करके चलाते हैं, और दूसरी तरफ अगर देखो तो कई लोग जो है इस ORVM को खोल करके चलाते हैं। पर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगर गाड़ी चलाते वक्त आपका ORVM जो है अगर इस तरीके से बंद रहता है जैसा कि आपने राइट हैंड साइड पर देखा, तो आपका फाइन हो सकता है पहली बार में थोड़ा कम, दूसरी बार में थोड़ा सा ज्यादा। तो आज की ये जो वीडियो है ये इसी के बारे में है कि कुछ ऐसी कॉमन चीजें जिस पर आपका भारी भरकम फाइन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोर्ट तक जाना पड़े या आपकी गाड़ी इंपाउंड भी हो सकती है। कौन से हैं वो ट्रैफिक के ऐसे रूल्स जो आपको पता होने चाहिए जिस पर आपका फाइन हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है सत्यम, जो हर हफ्ते आपके लिए इस तरीके का इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाता है जहां हम गाड़ियों से रिलेटेड बातें करते हैं। जो रेडियो सिटी इंडिया हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो ये सारा कॉन्टेंट आप मिस भी कर सकते हैं और ये बात आपके फायदे की है। एंड हाँ, डू रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो जो है उन फाइंस के ऊपर होने वाली है, उन कॉमन चालान्स के ऊपर होने वाली है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और दिल्ली में ना इन चीजों को लेकर सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि गाड़ी में दोनों तरफ ORVMs होते हैं, अगर गाड़ी चलाते हुए ये ORVM आपने बंद कर रखा है या इनवर्ड कहते हैं इसको, अंदर की तरफ अगर मुड़ा हुआ है, तो पहली बार में 500 का फाइन होता है, दूसरी बार में आपका 1000 या उससे ज्यादा का भी चालान हो सकता है। बहुत लोगों की आदत होती है कि गाड़ी के जो वाइपर होते हैं ना, आपने देखे होंगे कि यहाँ पर बैंडेड लगा देते हैं, ऐसा लगता है जैसे भाई इसको कुछ उपचार की जरूरत है। पर अगर आपकी गाड़ी में प्रॉपर वाइपर नहीं है ना, तो इस पर भी आपका पहली दफा में 500 का चालान कर सकता है और दूसरी दफा में 1000 या उससे ऊपर का चालान कर सकता है। कुछ और बहुत कॉमन चीजें मैं आपको बताता हूँ जो एक चलानेबल ऑफेंस होती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं और उनके हाथ में ना इस तरीके से मोबाइल फोन होता है, ऐसे मोबाइल फोन पकड़ के गाड़ी चलाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना फोन हाथ में रखकर गाड़ी चलाते हैं, या केवल फोन ही नहीं, पेन है, पेपर है, कुछ खाने की चीज है, कई लोगों को देखा होगा आपने खाते खाते गाड़ी चला रहे होते हैं, तो 5,000 से 10,000 रुपए का जो है चालान होता है इस पर, और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी 90 डेज के लिए सस्पेंड हो सकता है। जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो ये कहता है कि गाड़ी चलाते हुए ना आपके दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर होने चाहिए, आप गाड़ी से मतलब स्टीयरिंग व्हील से हाथ नहीं हटा सकते हैं। अगले चालान की अगर मैं बात करूं तो बड़े ही कॉमन तरीके की चीज होती है, वो होता है हाई बीम का इस्तेमाल। अगर आप दिल्ली के अंदर हाई बीम का इस्तेमाल करते हैं तो इस पर भी आपका चालान हो सकता है, पहली बार में 500 और दूसरी बार में 1000 या उससे ज्यादा। इसके साथ ही कुछ ऐसे चालान होते हैं जिनका जो फाइन अमाउंट है ना वो बहुत ज्यादा होता है। इसमें जो सबसे कॉमन चालान होता है वो होता है कि गाड़ी चलाते हुए अगर पीछे से कोई इमरजेंसी सर्विस है, जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, मैंने कई ऐसे ड्राइवर्स को देखा है कि भाई एम्बुलेंस बिल्कुल पीछे चिपकी हुई है, लेकिन वो ना जगह ही नहीं देते एम्बुलेंस को, उन्हें ऐसा लगता है भाई चली जाएगी, निकल जाएगी। बट अगर आप इमरजेंसी सर्विसेज को रास्ता नहीं देते हो तो उसमें आपका 10,000 रुपीज का चालान हो सकता है। कुछ और अगर सख्त चालान की मैं बात करूं तो जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव है, उसमें आपका कोर्ट का चालान होता है। बहुत लोगों की ये आदत होती है, पता नहीं उनकी शानो शौकत में ये चीज शामिल होती है कि भाई वो गाड़ी चलाती उल्टी साइड है, अगर ट्रैफिक इस तरफ से आ रहा है तो भाई सामने से आएंगे और एकदम आकर के चौड़े हो जाएंगे। तो इस केस में भी जो है भाई साहब आपका कोर्ट का चालान होता है, आपको सीधा कोर्ट भेजा जाता है, वहां जाकर आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। इसके अलावा कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे आप गाड़ी चलाते हुए स्मोक करते हैं, ठीक है, अगर आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो इसमें भी आपका चालान होता है, और बहुत स्टेट में तो बहुत एग्रेसिवली इस चीज का चालान किया जाता है, और दिल्ली में खास तौर से जो इसका चालान है वो भी किया जाता है। इसके अलावा शाम ढलते ही आप अपने गाड़ी के जो हेडलैम्प्स है ना, कई लोग भाई स्वैग में ही ऑन नहीं करते, रात को 8-8, 9-9, 10-10 बजे भी उनकी गाड़ियां जो है ना वो सिर्फ या तो हजार्ड लैंप पर चल रही होती हैं या जो पार्किंग वाला बल्ब है उस पर चला रहे होते हैं। तो भाई ऐसा मत करो, आपके लिए ये चीज स्वैग वाली हो सकती है पर ऐसा करके आप किसी को डेंजर में डाल सकते हो, क्योंकि रात को विजिबिलिटी मतलब बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। तो अगर शाम ढलने के बाद या रात में अगर आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन नहीं करते हैं तो इस पर भी जो है आपका चालान हो सकता है।
और क्या कुछ चालान होते हैं बड़े कॉमन से, आइए वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा और कौन से बड़े इंटरेस्टिंग चालान होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी रेड लाइट्स पर ना आप देखते होंगे कि स्टॉप लिखा होता है या एक सिंगल लाइन बनी होती है। अगर आप उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं या फिर उसके ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं या उसके बियॉन्ड आप खड़े होते हैं, तो इस केस में भी जो आपका चालान है वो हो सकता है 500 से लेकर के 1500 तक, यानी पहली बार 500, आगे 1500। अगर आप गाड़ी चलाते हुए रेड लाइट को जंप कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में आपका सीधा जो चालान है वो होता है 1500 रुपए का। इसके अलावा कुछ और चालान जो होते हैं बड़े कॉमन होते हैं वो मैं आपको बता दे जाऊं, जैसे कि टिंटेड ग्लासेस जो हैं, आपका अगर थोड़ा सा भी टिंट है, कई लोगों को लगता है 50% टिंट होना चाहिए, फ्रंट वाला साइड वाला 70% होना चाहिए, भाई ऐसा कोई रूल नहीं है, आपकी गाड़ी पर 1% का भी कोई टिंट नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आप गाड़ी चलाते हुए अंदर लाउड म्यूजिक चला रहे हैं, बाहर वालों को भी सुना रहे हैं, अगेन वो स्वैग वाली बात, तो इसमें भी आपका चालान कटता है 500 रुपीज पहली दफा और 1000 से लेकर 1500 रुपीज आगे वाले टाइम में, मतलब कि दूसरी दफा। इसके अलावा बात कुछ और इम्पोर्टेंट चालान की अगर मैं करूँ, तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं आपके पास एक वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि PUCC नहीं है, तो इस केस में 10,000 रुपए का चालान जो है वो आपका कट सकता है। मैं आपको बता दूं कि ऑफ लेट दिल्ली में ना कुछ नई चीजें भी शुरू हुई हैं। लगभग 6-8 महीने पहले सॉर्ट ऑफ एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जैसे ही कोई गाड़ी पेट्रोल पंप पर एंटर करती है तो पेट्रोल पंप पर ही एक कैमरा जो है वो लगा दिया गया था एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, ये देखने के लिए कि पेट्रोल पंप में जितनी गाड़ियां एंटर करती हैं क्या उनके पास पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है या नहीं होता है। उस एक्सपेरिमेंट में बड़े चौंका देने वाले आंकड़े आए, तो जो ट्रैफिक पुलिस है और जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज हैं उन्होंने अब दिल्ली में अलग अलग जगह पेट्रोल पंप पर कैमराज लगाए हैं। होता इसमें यह है कि भाई जैसे ही आप पेट्रोल पंप पर एंटर करते हैं आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट जो है उसको रीड करता है सिस्टम, सर्वर से इंफॉर्मेशन ली जाती है कि क्या इस गाड़ी का PUCC हो रखा है या नहीं हो रखा है। बीच में ऐसी भी खबर आई थी कि 3 घंटे की मोहलत मिलती है ऐसे समय में आपको कि आपको सामने एक रेड लाइट दिखती है, अगर वो रेड लाइट दिखती है इसका मतलब भाई आपकी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं हो रखा है। जो वहां पर एग्जीक्यूटिव हैं जो तेल डालते हैं वो भी आपको बताते हैं कि भाई आपका PUC नहीं है, आप इसको तुरंत कराइए। तो 3 घंटे की मोहलत मिलती है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि PUCC ऑब्टेन नहीं करते हैं, तो इस केस में भी जो है आपका 10,000 का फाइन हो सकता है। इसके अलावा कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि कई लोग इंश्योरेंस सर्टिफिकेट साथ लेकर गाड़ी नहीं चलाते, कई लोगों के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं होता, तो इस केसेस में भी जो चालान है जो फाइन है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ये 2000 से लेकर के ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इन चीजों को लेकर आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा भाई एक चीज़ और बोलूँगा, सड़क को ना अक्सर लोग रेसिंग ट्रैक समझना शुरू कर देते हैं और लोगों का ईगो जो है वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है कि ये जो गाड़ी बगल से गुजरी ये इतनी तेज़ कैसे निकल गई, इसने मुझे ओवरटेक कैसे कर लिया। इस सिनेरियो में एक नया सीन शुरू होता है, वो होता है रेसिंग का यानी रैश ड्राइविंग का, उसको रेस करना नहीं कहते उसको रैश ड्राइविंग कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ गाड़ियां एकदम दाएं बाएं करके ऐसे निकल जाती हैं, तो भाई इस केस में भी आपका 2000 या इससे ऊपर का फाइन हो सकता है। इसमें अगर ऑफेंस बहुत खतरनाक तरीके का है, जैसे कि आपने किसी को हर्ट कर दिया, तो भाई वहां पर अलग तरीके की इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने ऑफलेट भी एक शॉर्ट वीडियो जो है वो बनाई थी और ये बताया था कि कर्नाटका में एक नया सिस्टम लागू हुआ है। इस सिस्टम में होता ये है कि जो टोल टैक्स है, जो टोल नाका है सॉरी, उसके ऊपर ही कैमरा लगा होता है, वो जो कैमरा है वो लिंक्ड होता है ट्रैफिक के कैमरे से, और जब भी आप कोई ऑफेंस करते हैं जैसे कि ओवर स्पीडिंग, तो उस कैमरे से इंफॉर्मेशन टोल नाके पर वो जो सिस्टम होता है उसको जाती है और फास्ट टैग जो गाड़ी पर लगा होता है उसी के जरिए जो चालान है वो डिडक्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी गाड़ी पर लगा फास्ट टैग है वो अब केवल टोल पार करने के काम ही नहीं आएगा, बल्कि इससे जो आपका चालान का अमाउंट है वो भी डिडक्ट कर लिया जाएगा। सो कुल मिलाकर कहना मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर प्रॉपर तरीके से गाड़ी नहीं चलाते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो अथॉरिटीज़ अपना तरीका ढूंढ ही लेंगी आपको पेनलाइज करने का। मैं आपको बता दूं कि ये जो खबर मैंने आपको बताई, ऑलरेडी 1 जुलाई 2024 से बेंगलुरु मैसूर जो हाईवे है वहाँ पर ये जो चीज़ है ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है। बहुत सारे और स्टेट्स जो हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का ऑलरेडी प्लान बना चुके हैं, हो सकता है कि ये बहुत जल्दी हमें इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर भी आए। तो भाई इन चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना है, ट्रैफिक नियमों को लेकर सावधान रहना है, गाड़ी का रख रखाव जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट
सड़क पर गाड़ी चलाना भी है, और केवल इतना ही नहीं, जो नियम है, ट्रैफिक के नियम है, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, खासतौर से अगर आप दिल्ली NCR में गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि ये जो रूल्स मैंने आपको बताए ये केवल दिल्ली में नहीं बल्कि गुड़गांव में भी बहुत एग्रेसिव तरीके से लागू किए जाते हैं। ऑफ लेट गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में भी आपने सुना होगा कि ट्रैफिक पुलिस ने एक बहुत एग्रेसिव ड्राइव की, जहां पर गाड़ियों पर ये जो प्रेस लिखा होता है या रिलीजन के स्टिकर लगे होते हैं या कुछ ऐसे लोग अपना रौब दिखाने के लिए ये सब जो चीज़ें लगाते हैं, उसे ट्रैफिक पुलिस ने हटाया, उनके चालान भी किए गए। तो भाई गाड़ी को गाड़ी तक ही रहने दीजिए, गाड़ी को किसी और तरीके का कोई सिंबल मत बनाइए। बाकी अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी ऐसे चालान से अपने आप को बचा सके, उनकी मदद हो सके। बाकी अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कहीं कोई ख्याल है तो वो कमेंट्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमें एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पर हाँ उससे पहले एक बार जरूर याद दिला दूँ कि रेडियो सिटी इंडिया जो हमारा यूट्यूब चैनल है भाई, उसको सब्सक्राइब कर लो यार, हमेशा हम आपके फायदे की बात करते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।